नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले के विवादित बयान पर भड़की भाजपा ने FIR दर्ज करने की उठाई मांग। नाना पाटोले के खिलाफ नारेबाजी कर नाना पाटोले का फूंका पुतला। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले के कल दिए गए विवादित बयान पर पूरे महाराष्ट्र राज्य में राजनीति गरमा गई है और जगह जगह पर नाना पाटोले के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल शाम को वसई विरार भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में नालासोपारा तुलिंज अंतर्गत एक विरोध प्रदर्शन किया जाकर नाना पाटोले का पुतला फूंका गया। हालांकि वर्तमान में कोरोना नियमों के पालन का हवाला देते हुए पुलिस ने भाजपा पदाधिकारियों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते उक्त प्रदर्शन में शामिल लोगों पर गुनाह दर्ज किए जाने की तैयारी पुलिस के द्वारा की जाने की जानकारी सूत्रों से सामने आई थी। खैर, कल शाम के बाद आज सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष वसई विरार राजन नाइक के नेतृत्व में कुछ बड़े भाजपा पदाधिकारियों ने वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन जाकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को नाना पाटोले के ऊपर मामला दर्ज किए जाने का लिखित ज्ञापन सौंपा। भाजपा पदाधिकारियों के ज्ञापन सौंपे जाने के बाद मीडिया को दिए गए बयान में भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी मांगों को नहीं माने जाने की सूरत में वसई विरार अंतर्गत के पुलिस थानों के सामने आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। देखिए भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन की सैफ न्यूज लाइव की एक खास रिपोर्ट। नाइक सर, क्या कहेंगे आज, क्या विषय पुलिस स्टेशन में है? क्या महाराष्ट्र प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है श्री नाना पाटोले जी, उन्होंने इस देश के लाडले प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया उसके निषेध करने के लिए आज हम लोग पुलिस स्टेशन पे एक ज्ञापन दिया। उसमें हमने मांग की है कि उसके ऊपर FIR दाखिल करके उनको अरेस्ट करो, ऐसी हमारी मांग है। वो मांग के हम लोग निवेदन ने यहां दिया। इस विषय को लेकर बीजेपी कहां तक आगे जाए? हमने भाजपा संवेदनशील है, पूरा देश को ये उसका विधान, भाजपा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, तो देश के पूरे जनता में आक्रोश है ये स्टेटमेंट के बारे में। ऐसा मालूम पड़ रहा है अगला स्टेटमेंट आया कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोला, गांव के मोदी को बोला। अभी गांव के मोदी को बोलने से इतना वायरल सुनी स्टेटमेंट होता था ऐसा, और मैं गांव में जाके बोलने का ना ऐसा। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर एक परंपरा रही है प्रधानमंत्री को मारने की, और इसी के तहत कहीं ना कहीं ये नाना पाटोले का जो स्टेटमेंट है उसी की तरफ जाता दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में हमने आप देखा होगा कि पंजाब के अंदर मोदी जी की जो काफिले को जब 20 मिनट तक रुकाया गया था और उसकी पूरी देश ने निंदा की थी, तो कहीं ना कहीं छोटा सा कार्यकर्ता से लेके बड़ा नेता मोदी जी को कैसे इस जान से मारा जाए उस षड्यंत्र में लगे है, ऐसा मेरा कहीं ना कहीं हमको ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग की क्या भूमिका रहेगी? हम लोग की भूमिका आज जो हम आए यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, आज हमने कल हमारे युवा मोर्चा ने वहाँ नालासोपारा में भी नाना पाटोले का पुतला वगैरह जलाया। आज हमने शांतिपूर्ण से निवेदन देते हुए गुना दाखिल करने की मांग की है। यदि गुना दाखिल नहीं होगा
तो वसई तालुका के सभी पुलिस स्टेशनों के सामने हो सकता है कि कल से हम धरने पर बैठ सकते हैं।